पापा बताएगा कि वो दोनों कहाँ मिलेंगे। मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलकर आका अलादीन नाम तो सुना होगा वो ढूंढना होगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे अंदर ले चलो। अंदर यही मौका है जीनू बेटा। बेटा जीनू आका और प्यारी परेशानी जी को ढूंढ ले, क्योंकि जब तक उन नचीले लड्डुओं का असर है तब तक वो दोनों महफूज नहीं। कहां गए? मिल गए। आका नहीं, ये जादू आका और प्यारी परेशानी दोनों को गिरने नहीं देगा, बचा लेगा। मेरा जादू फिर नहीं चला, अब क्या होगा? ये दोनों कहाँ चले गए? अगले कुछ घंटों तक इन पर जादू का असर रहेगा, ये दोनों किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। आह, क्या लजीज खाना है, जी भर के खाऊंगा आज मैं। अच्छा कसम सोने की अशर्फियों की, काम के नकाश के दुश्मन अनाज के, भूखे पिल्ले की तरह खाने को घूरने के अलावा कोई काम आता है? काम? अरे वो सारे काम किए मैंने जो तुमने मुझसे कहे। पहले तो औकात में आओ। देखो बेगम, तुम्हारे तंबू जितने बड़े कपड़े धोए, दोपहर के खाने के लिए चार सेर चावल उबाले, 32 रोटियां बेली, ताकि तुम्हारा ये कमसिन बदन ऐसे ही हसीन बना रहे। कसम सोने की अशर्फियों की, मेरे लिए खाना बनाया, मेरे कपड़े धोए, मेरे पैर दबाए, तो क्या एहसान किया? जब तक पैसे कमा के इस हथेली पे नहीं रखोगे, ये खाना तुम्हें नसीब नहीं होगा मियाँ। एक तो वो कमबख्त अलादीन, उसने नाक में दम कर रखा है, एक महीने से दुकान पे नहीं आया, और ऊपर से तुम भी मुझे ही कोस रही हो। अब इस थाली की तरह अलादीन भी तुम्हारे हाथ से गया। जब से वो शेख जीनू उसके घर में आया है, अलादीन और रुखसार के तो पर निकल आए हैं। बेगम, मैं फटाफट खाना खाकर अलादीन से मिलकर आता हूँ, देखता हूँ वो कल से काम पर कैसे नहीं आता। मुझे बेवकूफ समझा है? छोड़ो छोड़ो, तुमसे कुछ ना होगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अम्मी, अब्बू, अम्मी। आ गया मेरा लाल। क्या कर रहा है? अम्मी, अब्बू, भाई मेरे भाई, अलादीन ने हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। क्यों, अब कौन सी सोने की मुर्गी उसके हाथ लग गई? अरे अम्मी ये पढ़िए। देखा, काले चोर को पकड़वाने वाले को 50,000 अशर्फियां दी जाएंगी। 50,000? क्या 50,000? कसम सोने की अशर्फियों की, ये खबर हमारी जिंदगी बदल सकती है, हम तबीयत के रईस हो सकते हैं। क्या अम्मी, हम भाई मेरे भाई को गिरफ्तार करवा देंगे? सवारी, सिपाही देख लेंगे तो चालान कट जाएगा।
मर जाएगा। हम नहीं जानते हमने वहाँ क्या खा लिया। हमें ऐसा लग रहा है कि हम दो दो काले चोर के साथ एक उड़ने वाली कालीन पे उड़ रहे हैं। तुम ना बड़ी शक्की हो, जो दिख रहा है उस पे भी शक कर रही हो। दिखते तो ख्वाब भी है, तो उसे सच मान ले। वो ना ये ख्वाब ही है, हम अभी तुम्हें दिखाते इस कालीन से कूद। नचड़ी, हम सच में उड़ रहे हैं। और सुनो सुनो, हा? ये बार बार ना मेरे ऊपर मत आया करो, मैं किसी और की अमानत हूँ। दादा गलत फहमियां पालने की जरूरत नहीं है, हम तो तुम्हें तमाचा मारने के लिए बिना तुम्हें छुए। वैसे कौन है ये लड़की? मेरा दिल, मेरी जान, दुनिया की सबसे हसीन। उस लड़की का नाम है शहजादी यास्मीन। तुमने कभी शहजादी यास्मीन को देखा है? नहीं। अब देख लो, हम हैं शहजादी यास्मीन। आका, 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 आका। नकल जी, तुम कितने यकीन के साथ झूठ बोलती हो। कहाँ शहजादी, कहाँ तुम, अपनी हरकतें देखिए। मैं तुम्हारी झूठ का जवाब दे रही थी, तुम समझे? और तुमने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? हरकतें देखी है तुम्हारी? कभी अपनी शक्ल आईने में देखना। नहीं, मैंने जो कहा वो झूठ नहीं था, सच था, समझी? फिर से सो गई। आजा। पता नहीं ये कालीन प्यारी परेशानी जी और आका को कहां लेके जाएगा। मुझे इन दोनों को जमीन पे लाना ही होगा। आका, कुछ कामों की किस्मत में अधूरा रहना ही लिखा होता है। वैसे तो मैं हर हाल में बादशाह का खात्मा करना चाहता हूं, लेकिन जाके कह दो अपने मुच्छड़ से कि उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा। तुम्हारा मुच्छड़ मुझसे ये काम क्यों करवाना चाहता है? क्योंकि जनाब मुच्छड़ आपके लाजवाब हुनर, आपके जज्बे और हिम्मत की कद्र करते हैं, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए आप जैसे जाबाज को चुना। लेकिन मैं तो उसे जानता तक नहीं, और वो बादशाह को क्यों मारना चाहता है? बगदाद की आवाम के लिए। जनाब मुच्छड़ बगदाद को जालिम बादशाह की कैद से आजाद कराना चाहते हैं, अपने लिए नहीं, मुच्छड़ के लिए नहीं, बल्कि बगदाद के लोगों के लिए। यहाँ के बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, हर एक आम इंसान के चैन और अमन के लिए आपको बादशाह को हटाना है।
और इसके लिए आपको एक जरूरी काम करना होगा। कौन सा काम? आकर रुको, आकर। अल्लाह अल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी, कब से भाग रहा हूं, पता नहीं कालीन कब रुकेगा। आका आका आका, रुको आका। लगता है कालीन नीचे आ रहा है। हम लोग बगदाद में हैं। आप दोनों ठीक तो हैं? ठीक जी हूँ। आप? जी प्यारी परेशानी जी, जहाँ ये वहाँ मैं, जैसे जैसे ये सुई मैं धागा, ये दौड़े मैं भागा, ये सिल मैं बट्टा, ये पेड़ जिनू तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, और तुम मेरा सर क्यों दुख रहा है, और हम तो दावत भी दे ना, यहाँ कैसे आ गए, और मुझे धुंधला क्यों दिख रहा है। हाँ? वे, ये सारी बातें तो हम घर जाके भी कर सकते हैं ना, और देखिए आप दोनों का पता नहीं मगर मेरा 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 इस कमसिन उम्र में, इस अंधेरी रात में, इस सुनसान बियाबान राहों में अकेले घूमना ठीक नहीं। मैं अगर देरी से पहुंचा तो अम्मी अम्मी बहुत परेशान होंगी। हमें भी वक्त पे घर पे पहुंचना होगा वरना आफत हो जाएगी। हम चलते हैं। प्यारी परेशानी जी, आपका लिबास। शुक्रिया शेख जीनू। फिर मिलेंगे प्यारी परेशानी जी। अलविदा। आका अलादीन, नाम तो सुना होगा, शुक्र है तुम्हारे पास मेरा दिया हुआ ये कालीन था। देखा जिनू के इस तोहफे का कमाल, जब उड़ना हो तो कालीन और जब नाक बहे तो रुमाल। ये लो आका तुम्हारी टोपी, ये तुम तरन्नुम की दावत में भूल आए थे, ये लो। क्या है ये? वो सब बात है आका, पहले हम घर चलते हैं। घर तो हम चले जाएंगे जिनू। अरे मुझे ये तो बताओ हम यहाँ कैसे आए? अब ये मैं कैसे बताऊँ? मैं तो बस गुलबदन को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन गलती से वो नचीले लड्डू तुमने खा लिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसा कुछ भी मत करना, लेकिन तुम मेरी सुनते कहाँ? और उस नकचड़ी को भी उसी समय आना था मेरे सामने, ना जाने क्या क्या कह दिया मैंने उसे, सब तुम्हारी गलती है। हाँ? अलादीन, तू फिर इस बेचारे पर चिल्ला रहा है? देखिए ना अम्मी, ये हर वक्त मुझे ऐसे ही डांटता है। तू बड़ा है इसका मतलब ये नहीं है तू हमेशा इस बेचारे पर चिल्लाता रहा। अम्मी ये बेचारा नहीं है। तू जब छोटा था तो तुझे याद है गलती करता था तो मैं कैसे तुझे गुसल खाने में बंद कर देती थी? फिर से वैसा ही करूँ तेरे साथ? हाँ अम्मी करिए, बहुत मजा आएगा। जीनू, अम्मी ये मुझे हमेशा परेशान करता रहता है और आप इसी की तरफदारी करती रहती है, ये सही नहीं है। नहीं नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल परेशान नहीं करता।
अलादीन, तू इससे माफी मांग और बोल दोबारा नहीं चिल्लाएगा। अम्मी ये बेचारा नहीं है। मैंने कहा ना माफी मांग। माफ कर दो जीनू, दोबारा नहीं चिल्लाऊंगा। माफ किया। कितना अच्छा बेटा है मेरा, मेरी सारी बातें मानता है। बिल्कुल मेरी तरह ना अम्मी। तू भी आ जा। हे ऊपर वाले, मेरे दोनों बेटों को हमेशा खुश रखना। हम एक कंबल नहीं ओढ़ पाते, हमको चक्कर आते हैं। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। गुच्छा कोई भी आए हमको फर्क नहीं पड़ती, हम कंबल ओढ़ते हमको सांस नहीं आती, हमको सांस नहीं आती, हमको चीख आती। यहाँ के कायदे हम तय करते हैं। अकबर जी बताओ इन्हें जरा, यहाँ कायदे तोड़ने का क्या हशर होता है? कायदा तोड़ने वालों को मगरमच्छ के मुंह में डाल दिया जाता है, फिर चाहे वो कोई हुजूर का अपना ही क्यों ना हो। और फिर आप तो बाहर वाले हैं। हम मगरमच्छ के पास नहीं जाती। हम तुम्हें यहाँ नाटक करने के लिए लाए हैं, बेहतर यही होगा कि तुम अपनी अदाकारी पर ध्यान दो और बाकी जैसा हम तुम्हें कहते हैं वैसा करते जाओ। हमारी गैरहाजिरी में पिथी पर क्या बीत रही होगी, हमें जल्दी अपने कमरे में जाना होगा वरना बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो इतनी सुबह उठने वालों में से नहीं है। बगदाद के वजीर हैं। हम कब और क्या करते हैं लोगों को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए, और हमारी नजरों से कोई बच नहीं सकता, इसीलिए हम वजीर आला हैं। रोजाने के मुआयने पे निकले थे हम। शहजादी लगता है आपको आराम की जरूरत है। आप सही कह रहे हैं, हमें आराम करना चाहिए। अब ठीक है ना, सब खैरियत? आपकी आंखों क्या हो गया? वो आज सुबह हमने गद्दारों पर इतना गुस्सा किया कि हमारी आंख लाल हो गई और हकीम साहब ने हमारी आंखों में पट्टी बांध दी। लेकिन आपकी फिर आपकी एक आंख क्यों लाल हुई, दूसरी क्यों नहीं? ऐसा क्यों हुआ वजीरे आला? बादशाह सलामत बहुत रहमदिल हैं, गद्दारों पे गुस्से के साथों साथ रहम भी आ रहा था उन्हें, इसलिए हमारी एक आंख लाल हो गई और एक रो रो कर बेहाल हो गई। शहजादी आपको आराम करना चाहिए। जी अबू आप ख्याल रखिए अपना।
शहजादी? दिल्ली इस लिबास में है। हमें आपसे बिल्कुल यही उम्मीद थी। आपको सुल्ताना बनाने का फैसला लेकर हमने बगदाद के लिए बिल्कुल सही सोचा है। तेरे उस सौदे का क्या हुआ? लेनदारों के पैसे तो देने ही हैं, घर का सामान लाने के लिए भी हाथ में कुछ है नहीं। अम्मी, सौदा तो नहीं हुआ, इसलिए पैसे भी नहीं मिले। हर क्यों? अम्मी, जिससे सौदा होने वाला था वो मुझसे गलत काम करवाना चाहता था, इसलिए मैंने मना कर दिया। बहुत अच्छा किया तूने। मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ मांगती रहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए पर तेरा जमीर किसी आंधी, किसी तूफान, किसी लालच के सामने झुकना नहीं चाहिए। जो पैसा बुरे काम करके कमाया जाता है ना, कभी बरकत नहीं लाता। और फिर हमारा ताल्लुक तो इब्ने बतूता के खानदान से है। तूने अपनी अम्मी का सर ऊंचा कर दिया है। जो लोग अपना जमीर बेचकर काम करते हैं ना, वो उस निकम्मे बेहाले चोर जैसे बन जाते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती उसकी अम्मी पर कितनी शर्मसार होंगी अगर मैं उसकी अम्मी होती ना। अम्मी, अम्मी, जाने दीजिए ना। अब आपको घर के लिए सामान लाना था ना? मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ, कल शाम तक सामान भी आ जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरा लाल मुझसे कितना प्यार करता है, पर कर्जदारों के पैसे तो लौटाने होंगे, कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना पड़ेगा। तू खाना खाना। जीनू बेटा ये ले। कैसे भी चाचा के पास से पैसे निकालने होंगे, लेकिन दिक्कत है चाची, इतने दिन से दुकान नहीं गया, आसानी से पैसे निकालने नहीं देंगी। सुरखाब का पर। भाई मेरे भाई, इतना नायाब पर तुझे कहां से मिल गया? इसे मैं शिकारी के घर से लेकर आया हूं, जिसने 100 साल पहले सुरखाब का शिकार किया था। सुरखाब तो पहले खत्म हो गए थे, लेकिन सुरखाब का ये आखिरी पर बच गया। अबू, कहीं ऐसा ना हो कि सुरखाब का पर उस आदम के कटोरे जैसा हो। देख लीजिए, वरना अम्मी आप पे यही पर लगाकर अंडा देने को कहेंगी। अबू, जब भी मुंह खोलता है उल्टी बात करता है। क्या? तो कही है चाचा, आप इस नया पर को अपने खजाने में लगाना चाहते हैं? ना 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 अलादीन, ना, इस बार मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। तू मुझे बेचता 1000 है और निकलता ना रहे। चाचा, इस पर अनार नहीं गुलाब लाया। चाचा, इसका असली राज तो मैंने आपको बताया ही नहीं। ये पर हसीनाओं को अपनी तरफ खींचता है। सोचिए चाचा, आपके चारों तरफ हसीनाएं होंगी। अबू, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी नहीं। कुछ भी तो नहीं। चाचा, अगली बार ख्वाब में सफेद लिबास पहनिएगा, सादा जचेगा। बहुत अच्छे। तुझे कैसे पता चला मैंने ख्वाब में क्या देखा? क्योंकि मुझे पता है कि आपको बेवकूफ कैसे बनाया जाता है। बहुत अच्छे। अब्बू, क्या कहा आप? मेरा मतलब है चाचा, कि कोई बेवकूफ ही होगा जो इस पर को नहीं चाहेगा। अलादीन, कीमत बता इस पर की। अब अरे चाचा, आपके लिए बस 10 अशरफियां। ठीक है, तू कह रहा है तो 4 अशरफियों में ये पर मेरा हुआ। ये
कसम सोने की अशर्फियों की, इस फालतू पर के चार अशर्फियां क्या इनकी शक्ल जैसी फूटी कौड़ी न दूं? बगदाद के बादशाह के पर काटने के लिए हमारे पास उस निशानेबाज से बेहतर कोई मोहरा नहीं है, और उसे ही बादशाह को अगवा भी करना होगा। ऐसा ही होगा हुजूर, उस निशानेबाज का निशाना अब नहीं चूकेगा। आपके मंसूबे के मुताबिक तो अब तक वो निशानेबाज खुफिया सुरंग से होता हुआ महल तक पहुंच गया होगा। आपके हुक्म के मुताबिक महल में पहरे पर हमारे ही आदमी तैनात हैं, जो हमारे उस निशानेबाज को बादशाह के कमरे तक पहुंचाएंगे और बादशाह के कमरे के बाहर जो सिपाही तैनात हैं उनका क्या? उन्हें तो मैंने कल ही छुट्टी पर भेज दिया हुजूर, अब बादशाह के कमरे में भी हमारे ही सिपाही मौजूद हैं। तो इसका मतलब हमारे मोहरे को बादशाह के कमरे तक पहुंचने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। एक बार बादशाह हमारे कब्जे में आ जाए फिर हम इस हम शक्ल बादशाह को बगदाद के तख्त पे बिठा देंगे। बादशाह शानबाद। पालतू? नहीं नहीं चाची, ये कोई ऐसा वैसा पर नहीं है। बेटा मैं भी कोई ऐसी वैसी चाची नहीं हूँ, नाजनीन हूँ नाजनीन। इस शतरमुर्ग के पर से किसी गधी को बेवकूफ बना सकता है, नाजनीन को नहीं। भाई मेरे भाई, मेरी अम्मी सिर्फ गधी लगती हैं, है नहीं, है ना अम्मी? अब तो ठीक है, आपको सौदा नहीं करना तो मैं किसी और से सौदा कर लूंगा। हाँ हाँ कर ले, चार क्या 40 अशर्फियां मिलेंगी। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, आप मेरे काम के पैसों में से काट लीजिएगा। क्यों नहीं मेरे बच्चे, पर पैसे तो तब मिलेंगे जब तू काम करेगा। एक महीने से दुकान पर शक्ल नहीं दिखाई, पहले एक महीने मुफ्त में दुकान पर काम कर, उसके बाद नाजनीन पैसे के बारे में सोचेगी। मुझे माफ कर दीजिए चाची, लेकिन मुझे भी अपना घर चलाना है, आप मुझे पैसे नहीं दे सकती? तो मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगा। हाँ हाँ हम भी तो देखें, कौन सा सौदागर एक चोर को नौकरी पे रखता है। मामूली चोर नहीं, काला चोर। जिसके सर पे 50,000 अशर्फियों का इनाम है। 50,000? तुझे रुखसती चाहिए?
रुखसती देंगे, पर कोई ऐसी वैसी रुखसती नहीं, ऐसी रुखसती जिसे देखकर काले चोर की माँ को भी तो पता चले कि उसका बेटा कितना शातिर मुजरिम है। जो लोग गलत कामों से पैसा कमाते हैं ना, वो उस निकम्मे बेहया खुदगर्ज काले चोर जैसे बन जाते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उसकी अम्मी कितनी शर्मसार होंगी अगर मैं उसकी अम्मी होती ना। भाई मेरा भाई काला चोर। इतनी हम सच कह रहे हैं, हमने अब्बा हुजूर के हमशक्ल को महल में देखा है। शहजादी अभी तक आप पूरी तरह से होश में नहीं आई हैं। आप ना ये शरबत पी लीजिए, खसका है, जल्दी पीजिए। वैसे भी आप बेकार में फिकर कर रही है, पर आप है ना, आप ना सो जाइए, वरना आप ना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और आपकी तबीयत खराब होगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो बादशाह सलामत को आपका ध्यान रखना पड़ेगा, और वो आपका ध्यान रखेंगे तो बगदाद का ध्यान कौन रखेगा, फिर बगदाद बर्बाद हो जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि बगदाद सही सलामत रहे तो आप सो जाइए। नहीं पिद्दी, हमें अभी अब्बा हुजूर को जाकर देखना होगा। शहजादी बादशाह सलामत का हुक्म है कि तुम जैसे गद्दारों को फौरन हिरासत में ले लिया जाए। सूबेदार अकबर, शतरंज की असली चाल खेलने का वक्त आ चुका है। जुम्मन मियां को बादशाह के कमरे तक ले जाओ। दूर। आइए जनाब। अब्बा हुजूर अपने कमरे में ही होंगे। कसम सोने की अशर्फियों की, किसी ने सही कहा है, गधे को कपड़े ढोने तो आते हैं पर धो के सुखाने नहीं। ठीक से निचोड़ो वरना निचोड़ के तुम्हें यहीं टांग दूंगी। चाची, क्या बात है, तेवर बड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं नवाबजादे के। आज आया ऊंट भैंस के नीचे, मतलब पहाड़ के नीचे। चल जा काम पे लग जा, और खबरदार जो एक भी दिन की छुट्टी ली तो। चाची वो मैं आपको ये बताने आया हूं कि मैं अब आपके लिए काम नहीं करूंगा। क्या कहा जरा जोर से तो बोलना। मैं ये बताने आया हूं कि मैं अब आपके लिए काम नहीं करूंगा, आपको जो करना है कर लीजिए, मैं आपकी किसी भी धमकी से नहीं डरूंगा।
अभी तेरी अकड़ निकालती हूँ। रुखसार, रुखसार। अम्मी, अम्मी। क्या हुआ चाची, आप रुक क्यों गई? बुलाइए ना। अम्मी। पहले आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझसे चोरी करवाई, अपनी जेब भरती नहीं, फिर मेरे डर का फायदा उठाकर आपने मुझे चोर से काला चोर बना दिया। लेकिन अब बस, अब आप चाहे मुझे अम्मी को बुलाने की धमकी दें या कोतवाल को बुलाने की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत अच्छे। क्या कहा तूने? कसम सोने की अशर्फियों की, कौवे की चोंच मीनार जितनी बड़ी हो गई है। कोतवाल सलाखों के पीछे डालकर दो डंडे लगाएगा ना, तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी अलादीन। हाँ तो बुलाइए, अब मैं भी बताऊंगा कि चोरी तो मैं करता था, लेकिन चोरी का सामान आप दोनों बेचते थे। मुझे तो 100-100 कोड़े पड़ेंगे, लेकिन आप लोग को भी 10-10 कोड़े तो लगेंगे। तुझे क्या लगता है, वो तेरी बात मान लेंगे? अब नहीं माने तो क्या हुआ, इनाम की रकम एक दिन तो खर्च हो जाएगी, लेकिन मैं तो आपको सारी उम्र दौलत, जेवर, अशर्फियां लाकर दे सकता हूँ। सोचिए, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी एक बार में काटनी है या सारी उम्र रखनी है? मैं काम करने के लिए शायद राजी हो जाऊं, लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए। अलादीन नहीं जानता कि उसने किसका रास्ता काटा है। अब मैं वो बाजी चलूंगी कि अलादीन के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाएगी। बादशाह शाहनवाज, तुम्हारे किए हर जुल्म की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। तुमने मेरी वफादारी की कदर नहीं की, मुझे बगदाद से बाहर निकाल दिया। मेरी रुखसार को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। अबूजान, अब्बा हुजूर कहाँ हैं आप? अब्बा हुजूर, अबू, अबूजान, अबू, वो तो इस वक्त अपने कमरे में ही होते हैं, ना जाने कहां चले गए। अबू, अबू, तो अपनी किताब कभी खुली छोड़ के नहीं जाते। अबू, पर्दे के पीछे जो भी है बाहर आओ।
ऐसा काम जो किसी ने ना किया और तुम मशहूर भी हो जाओ, ऐसा कोई काम क्या हो सकता है? सोचो ना जिनू। अलादीन नाम तो सुना होगा। जिनू, ये हम कहाँ गए? अलादीन नाम तो सुना होगा, हम दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पे हैं और इस मुकाम पे पहुंचने वाले तुम पहले शख्स हो। सही कहा तुमने, मैं पहला शख्स हूँ जो जो पहाड़ पर चढ़ के डर के मारे मर जाएगा। बल्ला बल्ला बीबी, जा गई गरी थी। आका अलादीन नाम तो सुना होगा, आका हम बगदाद पहुंच गए, अब तो कांपना बंद करो। बगदाद, बगदाद, जिनू तुम तो बहुत ऊपर की सोच रहे हो। नहीं नहीं नहीं, अब मैं तो यहीं रह के कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ, मैं कारोबार करना चाहता हूँ, तुम मेरी उसमें मदद कर सकते हो? हाँ, बहुत ही नेक ख्याल है, मगर कैसा कारोबार? आप जिसमें लागत कम हो लेकिन कमाई ज्यादा हो। ऐसा कारोबार जिसमें लागत कम हो और कमाई ज्यादा हो, ऐसा कौन सा कारोबार है? सोचो सोचो। मिल गया। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, जेब से फूटी कौड़ी लगे, बैठे बैठे मस्त की खाए, ऊपर वाले के नाम पे दे दे रे बाबा। बेटे के तुम चिनू, ये क्या है? अच्छा तुम मुझे शेर को खिला देते, मेरे कपड़े वापस दो। वल्ला वल्ला बीबी, छा गई गरीबी। कोई बात नहीं आका, मेरे पास और भी कारोबार है, मैं अभी चुटकी बजा के। नहीं जी 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 जी, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं चिनू, रहने दो, ये कारोबार ना बहुत सरदर्द वाला काम है, मैं नौकरी कर लूंगा भाई, नौकरी कर लूंगा। ठीक है आका, नौकरी। आका शाबाशी, ये हुई ना बात। गुलबदन की अम्मी, ये वही कंगन है ना जो रुखसार ने तुम्हारे पास गिरवी रखे थे जब बचपन में अलादीन बीमार हुआ था और रुखसार को पैसे की जरूरत थी? गुलबदन के अब्बू, अब इन्हें रुखसार के कंगन समझो, अलादीन के पैरों की बेड़ी समझो, या अलादीन के गले का फंदा, बात तो एक ही है। बहुत अच्छे। पर मैं कुछ समझा नहीं। अब इतने से बदन में इतनी समझ आएगी कहां से? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे लगते जिगर और मेरे चांद के टुकड़े, गुल्लू गुलबदन कहां है? जल्दी आ, जल्दी। क्या हुआ? हो गया। अम्मी, आपने मुझे जिस तरह बुलाया, मुझे लगा अब्बू अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह को प्यारे? मेरे बच्चे, मेरा एक छोटा सा काम कर दे। बोलिए अम्मी, आपका गुल्लू आपके लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का तो पता नहीं, पर ये पोटली अलादीन के कमरे में छुपा दे और खबरदार कोई तुझे देख ना ले। अम्मी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? बिल्कुल मुझ पे गया है, बिना रिश्वत लिए कोई काम ही नहीं करता। दो आने दूंगी। ठीक है अम्मी, मैं अभी गया और अभी आया। कसम सोने की अशरफियों की, अब देखना कैसे अलादीन के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती है। अलादीन पे इल्जाम लगेगा, वो भी अपनी अम्मी के कंगन चुराने का। रुखसार शर्म के मारे अपना सर नहीं उठा पाएगी और अलादीन जिंदगी भर सर झुकाए हमारे दरवाजे पे खड़ा रहेगा। ठीक है, तुम पूरे बगदाद में मेरे लिए नौकरी नहीं है।
पाका अलादीन नाम तो सुना होगा, अगर तुम्हारा कद लंबा होता तो तुम ऊर की आंखों में सुरमा लगाने की नौकरी तुम्हें मिल जाती, और अगर थोड़े पढ़े लिखे होते तो बच्चों को पढ़ाने की नौकरी मिल जाती। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा दिल कहता है कि एक दिन तुम्हें बहुत बड़ी बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। जिनू, मुझे झूठी तसल्ली नहीं, नौकरी चाहिए। हा? और तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो खामोश रहो, खामोश नहीं रह सकते हो तो जाकर अपना रास्ता नापो। जो हुकुम मेरे आका। मुझे कैसे भी करके 3 अशरफियां कमानी होंगी, नहीं तो कल घर में खाना खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। काश इस आधे अधूरे जिनू के बदले मुझे जादू करना आता। जिनू, जिनू भाग गया। 30, 40 ये क्या कर रहे हो? आका, तुमने कहा था ना रास्ता नापो, मैं रास्ता नाप रहा हूँ। बस इतना बता दो कहाँ तक नापना है। जिनू, मेरे सर तक। सर तक? ये लो। जिनू, जाओ जाकर मेरा बस्ता लेके आओ, आज हमें कैसे भी करके नौकरी ढूंढनी है। जो को मेरे आका। अभी आया आका। जरूरत है एक नौजवान की, फनकार की दुकान पे तनख्वाह 3 अशरफियां। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। जश्न फतेह के दिन हमारे मंसूबों पर पानी इसलिए फिरा क्योंकि हमारी किस्मत में उससे भी बड़ी जीत लिखी थी। हम बादशाह के मालिक बन गए। लेकिन हुजूर, अब हमारा अगला कदम क्या होगा? उस काले चोर को पकड़ना, चाहे वो जमीन के अंदर जाकर क्यों ना छुपा हो, हम उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालेंगे। और ऐसी मौत देंगे कि मौत भी डर जाए। लेकिन उससे पहले हम खुद अपने आप को एक नायाब तोहफा देना चाहते हैं। शहजादी, शहजादी, शहजादी यास्मीन। आज बादशाह सलामत, बादशाह शाहनवाज ऐलान करेंगे। हमारे और शहजादी यास्मीन के निकाह की, माशाल्लाह। शहजादी यास्मीन, आप चाहे हमसे कितना भी दूर क्यों ना हो जाएं, हम आपको अपना बना कर ही रहेंगे। चाहे आपके और हमारे बीच कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, सब के सब मिटा कर रहेंगे। तुम कहाँ गायब हो? क्या तो वक्त नहीं, और ये इधर उधर। हबीबी छा गई गरीबी, वल्ला वल्ला हबीबी छा गई गरीबी। आका, तुम नाच क्यों रहे हो? तुम्हें नौकरी मिल गई आका, अलादीन नाम तो सुना होगा। जिनू, अगर ये तुम्हारे कोई सड़े हुए टमाटर जैसा मजाक है ना तो ये रही पेश की।
तुम मजाक नहीं कर रहे? मुझे सच में नौकरी मिल गई? चीनू! आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। लेकिन काम क्या है? कुछ नहीं, बस खड़े रहना। ठीक है। बल्ला बल्ला बीबी, चले गरीबी। चलो। हम आज बहुत खुश हैं बिट्टी। हमारा बगदाद की सुल्ताना बनने का ख्वाब आज पूरा होने जा रहा है। हमसे तो सब्र ही नहीं हो रहा है कि कब अब्बा हुजूर ऐलान करेंगे। बेसब्री तो होगी शहजादी, बादशाह सलामत वैसे भी देर लगा रहे हैं तशरीफ लाने में। हमारे इतने सालों की मेहनत का नतीजा अब चुम्मन की अदाकारी पर टिका हुआ है। अगर वो सही खेल गया तो बगदाद और ये नायाब हीरा दोनों हमारे हो जाएंगे। माफी चाहता हूं हुजूर, लेकिन अगर चुम्मन ने हमारा खेल बिगाड़ दिया तो उसे मरना होगा। इससे पहले कि वह हमारा नाम ले, ऊपर वाले को प्यारा हो जाएगा वो। मामला इजा होशियार, बगदाद की शानो तख्त बादशाह शाहनवाज तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह शाहनवाज सलामत रहे। 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 बस कुछ पल और फिर हम होंगे बगदाद की सुल्ताना। सब कुछ हमारे मुताबिक हो रहा है, शहजादी यास्मीन हमारी होंगी। गुलबदन गुलबदन, लगता है चाची जान किसी काम में मशगूल है। इस पोटली को भाई मेरे भाई के कमरे में छुपाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। भाई मेरा भाई। गुलबदन गुलबदन, किस्सों की किताब। गुलबदन तू कब आया? वो छोड़ी चाची जान, आप बस अपने इस चांद के टुकड़े को इस किताब में से किस्सा सुना दीजिए। कितने सालों बाद ये किताब देखी है। जरूर सुनाऊंगी। अरे ये अचानक बाहर इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी? तू यहीं बैठ, मैं कपड़े उठा लाती हूँ, ठीक है? फिर आकर कहानी सुनाती हूँ तुझे। किस्सों की किताब? तोबा, अम्मी का दिया हुआ काम तो मैं भूल ही गया। इससे पहले चाची जान आए, मैं ये काम कर देता हूँ। कहाँ छिपाऊँ इसे? नहीं नहीं नहीं, नहीं कहाँ छिपाऊँ? यहाँ छिपा देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ रख देता हूँ, हो गया। अरे गुलबदन, किस बात पर इतना खुश हो रहा है गुलबदन? माफ कीजिएगा चाची जान, वो मैं आपको नहीं बता सकता। मत बता, मैं ही तुझे कहानी सुना देती हूँ। आ बैठ। हाँ चाची जान, आपसे कहानी सुने कितना वक्त हो गया है, वरना बचपन में मेरा भाई और मैं आपसे कहानी सुनने के लिए आपको सारा दिन परेशान किया करते थे। याद है मुझे, अलादीन तो अब भी कई बार जिद करता है कहानी सुनने के लिए, तू ही नहीं आता। वो अभी होता तो कितना खुश होता, दोनों भाई मिलकर मुझसे कहानी सुनते। और वो तो पता नहीं कहां कहां भटक रहा होगा अपनी अम्मी के लिए। चाची जान कहानी। हाँ।
तुम कमाल हो आका, आज तक किसी ने इतना नायाब काम नहीं किया होगा। कैसे इतनी देर बिना हिले खड़े हो आका? मुझे पूरा यकीन है, चाहे कुछ हो जाए मगर तुम नहीं हिलोगे। भले ही चींटियां तुम्हारे पैरों पे ऐसे ऐसे काटे या तुम्हारे सर पे कबूतर करे या छोटे छोटे बच्चे तुम्हें गुदगुदी करे, मगर तुम नहीं हिलोगे। चुप हो जाओ जीनू। लेकिन आका मैं सच कह रहा हूँ, इतनी देर बिना हिले तो सिर्फ छिपकल ही रह सकती है। कहाँ है छिपकली? छिपकली हम इस तरह फन और फनकार की तोहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर किस तरह से बर्दाश्त करेंगे? बगदाद के सबसे आला तरीन फनकार रजाक से मजाक मत कर लड़के, वरना तेरे कद्दू जैसे जिस्म, खून के जैसे मुंह से भी बदतर तेरा मुजस्मा बनाकर बगदाद के चौराहों पर लगा देंगे हम। माफ कर दीजिए जनाब, माफ कर दीजिए, ये दोबारा ही गलती नहीं होगी। हाँ पीछे आ जिनू। अच्छा छिपकली आ जाए जा, मगर मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा। यही बेहतर होगा। मेरे आका की इतनी बेइज्जती। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। आका आका, तुम ऐसे ही बिना छिके खड़े रहो, मैं तुम्हारा मन बहलाने के लिए गाना गाता हूँ। बगदाद का इलाका बुत बने मेरे आका, मैं छेला बाका, दिल भरो जेबे भरो जेबे भरो, दिल भरो। हुजूर, आपकी आंख में यकायक ये क्या हो गया है? चिलगोजा चिलगोजा, ये सब हमारी आंख के पीछे काय को पड़ जाती। होने को तो कुछ भी हो सकता है बेगम, पर जब आपका खूबसूरत चेहरा दिख रहा हो तो फर्क नहीं पड़ता कि एक आंख से दिखे या दोनों से। लगता है आपको भरी सभा में हमने शर्मिंदा कर दिया। नहीं नहीं हुजूर, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर मोहब्बत का इजहार किया है तो उसका जवाब भी चाहिए बेगम। हुजूर। इस बेवकूफ को रोको वरना सारा खेल खत्म हो जाएगा। दखल अंदाजी के लिए माफी चाहता हूँ बादशाह सलामत, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो कौन सी वजह है जिसके लिए आपने हम सबको यहाँ बुलाया है? हाँ, आप सब यहाँ आज आए हैं क्योंकि शहजादी यास्मीन के बारे में हम एक जरूरी ऐलान करना चाहते हैं। और उम्मीद करते हैं शहजादी जो ये एक नई शुरुआत करने जा रही है उसके लिए आप सबकी दुआएं भी इनके साथ हों। बहुत सोचने के बाद हमने ये फैसला लिया है। बगदाद की शहजादी यास्मीन की निगाह का वक्त आ गया है। मेरे लिए कुछ नहीं लेती,
मैं उन्हें नए कपड़े में दिखना चाहता हूँ। चलो। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। अबू जान, आपने ही तो फैसला किया था कि हम बगदाद की सुल्ताना बनेंगे। हमें याद है आप कितना खुश थे इस फैसले से, तो फिर अचानक आपने फैसला क्यों बदल लिया अबू जान? चिल्गोजा, ये क्या कह रहे हैं? हमको तो कुछ नहीं पता। क्योंकि आपके लिए ये फैसला बिल्कुल सही है शहजादी। आपके अब्बा हुजूर और हम सिर्फ आपकी भलाई चाहते हैं। कौन से माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े को दूर करना चाहते हैं? और ये दुनिया का दस्तूर है और इस दस्तूर को वक्त पर पूरा हो जाना चाहिए। शहजादी, हम जानते हैं कि आप सुल्ताना बनना चाहती हैं, लेकिन एक औरत के लिए ज्यादा मुनासिब किसी की बेगम बनना होता है। हम सही कह रहे हैं ना बादशाह सलामत? बादशाह सलामत, हम सही कह रहे हैं? हाँ वजीर जफर, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। हम जानते हैं वजीर जफर, आप हमेशा से हमारी सुल्ताना बनने के खिलाफ रहे। ऐसी बात नहीं है शहजादी, दरअसल खुदा ने आदमी और औरत को अलग अलग किरदार निभाने के लिए बनाया है। औरत को घर के अंदर, मर्द को घर के बाहर। यही सही है, औरत घर संभाले, मर्द बाहर। यही तो फर्क है आपकी और हमारी सोच में वजीर आला। निकाह सहारे के लिए नहीं बल्कि साथ के लिए होता है। एक औरत और मर्द बहुत अलग है, लेकिन वो बराबर भी है। निकाह के बाद एक औरत चाहे घर संभाले, पूरी सल्तनत संभाले, पूरी दुनिया संभाले, उसका फैसला है और किसी का नहीं। गुलामी और निकाह में बहुत बड़ा फर्क होता है वजीर आला, लेकिन अफसोस आप ये फर्क कभी नहीं समझ सकते। लगता है शहजादी बहुत गुस्से में है। अगर जुम्मन ने शहजादी के होने वाले शोहर के लिए हमारा नाम दिया तो इस वक्त बात बिगड़ सकती है। हमारा फैसला बदलेगा नहीं शहजादी, हमने तो ये भी सोच रखा है कि आपका निकाह किसके साथ होगा। किसे पता था कि ये हो जाएगा? हड्डियां जरूर कड़ गई हैं। मजा बहुत आया। आका, तुम्हें चलने में इतनी तकलीफ हो रही है फिर भी तुम्हें मजा आ रहा है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम कहो तो मैं अपने जादू से तुम्हारे सारे दर्द को गायब कर दूं। नहीं जिनू, अम्मी कहती हैं कि मेहनत का दर्द सुकून की नींद देता है। वाह, क्या नेक ख्याल है अम्मी के। वैसे ये सामान और नए कपड़े देख के अम्मी बहुत खुश होंगी ना? बस जिनू, मैं भी अब घर पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकता। अम्मी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखते ही मेरा सारा दर्द खत्म हो जाएगा। चलो। दर्द दर्द क्या होता है ये अलादीन को अब पता चलेगा। मेरे लकटे जिगर, वो पोटली तूने अलादीन के कमरे में छुपा कर अपनी अम्मी का दिल जीत लिया। तो मेरा ही नाम दर्द। ये ले, इससे जो मर्जी आए कर, पर पहले अंदर जा और अपने अम्मी के हाथों की बनाई हुई बिरयानी खा। बिरयानी? मैं अभी आया अम्मी। बेगम, मुझे घास फूस जैसी लौकी की सब्जी और गुल्लू को बिरयानी, थोड़ी सी बिरयानी अगर मुझे भी। कभी सुना है कि गधे ने बिरयानी खाई है? इस गधे को सूखी घास मिल जाती है वही गनीमत है। अरे मेरा बच्चा वो काम करके आया है जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते।
अब देखना, अलादीन की अम्मी की जिंदगी में तूफान आएगा और वो तूफान लाएगी नाजनीन। इससे पहले कि दोनों लौट कर आए, सब सामान समेट देती हूँ। सब कुछ फैला कर रखता है अलादीन, और ये सामान, लगता है दोनों आ गए। और ये तोहफा किसके लिए है? अम्मी, अम्मी। तौबा, जान निकाल दी तुम दोनों ने मेरी। अम्मी, दिल थाम के बैठी अम्मी, और देखिए आपके दोनों बेटे आपके लिए क्या लेके आए हैं। खोलिए खोलिए। हाँ हाँ, देखिए। ये मेरे लिए? हाँ। अम्मी, आपको तोहफा पसंद नहीं आया? अरे नहीं, ये तो खुशी के आंसू है। जब बेटे अपनी मेहनत की कमाई से कुछ लाते हैं तो कपास भी रेशम लगता है, और ये तो बहुत खूबसूरत है। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे दोनों बेटे अपनी मेहनत की कमाई से ये मेरे लिए लेकर आए। कसम सोने की अशर्फियों की, अगर दो पैसे का सुरमा इन आंखों में नहीं लगाया होता तो ये मोहब्बत देख के आज नाजनीन रो पड़ती। तो रो पड़ो, तुम्हारी इन भैंस जैसी आंखों में आंसू देखे हुए बरसों हो गए। मतलब हिरनी जैसी आंखों में। अब ऐसे खुशी के माहौल में खलल डालने का दिल तो नहीं है, पर डालना तो पड़ेगा। बात क्या है चाची? रुखसार, याद है परसों पहले तुमने मेरे पास कंगन गिरवी रखवाए थे? हाँ भाभी, मुझे अच्छे से याद है, और मैंने आपसे कहा भी था कि उन्हें संभाल कर रखिएगा। जिस दिन हम आपका कर्जा चुका देंगे वो कंगन वापस ले आएंगे। अब वो दिन तो जब आएगा तब आएगा, फिलहाल ये कहने आई हूँ कि वो कंगन कहीं मिल नहीं रहे। मिल नहीं रहे मतलब? वो कंगन आपके हिफाजत में थे और आपने अम्मी के कंगन खो दिए। चाची, आप अपने घर फिर से जाइए और ठीक से देखिए। हाँ, ठीक से देखिए। कसम सोने की अशर्फियों की, ऐसे तेवर तो दो ही तरह के लोगों के होते हैं, एक जो बिल्कुल सच कह रहे हों और दूसरे जो सच को छुपा रहे हों। मतलब ये रुखसार कि मुझे लगता है कि ये चोरी तेरे बेटे ने ही की है। हमने तो ये भी सोच रखा है कि आपका निकाह किसके साथ होगा, वो कोई और नहीं बल्कि ज़ैन। मरकश के शहजादे हम सही कह रहे हैं ना बादशाह सलामत? हाँ, वजीर आला बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। शहजादी का निकाह मरकश के शहजादे ज़ैन के साथ होगा, और हम शहजादी के निकाह में आप बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहते। आमीन।
भाभी आप मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही हैं। अरे रुखसार, इल्जाम नहीं, शक है। अब ये शक सही है या गलत, ये तो तब पता चलेगा ना, जब अलादीन के कमरे की शिनाख्त होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? आप जहां चाहे तलाशी ले सकती हैं। लेकिन अम्मी डर उन्हें लगता है जो झूठे होते हैं, सच्चों को सिर्फ यकीन होता है। आप ले लीजिए तलाशी। हट जा गरीबी। हम तो उड़ते हुए परिंदे के पर गिन लेते हैं। यहाँ तो शहजादी यास्मीन हमारे सामने थी। मालूम था हमें कि अगर निकाह के लिए हमारा नाम लिया जाएगा तो वो फौरन ही इनकार कर देंगे। बस इसीलिए हमने समझदारी दिखाई और मरकश के शहजादे जैन का नाम ले लिया। अच्छा करती, आप शहजादी के चाचा की उम्र की होती, शादी होती तो आपके बच्चे आपको दद्दू दद्दू कहती। नकली नाटक में अपनी असली औकात मत भूल जुम्मन। चिलगोजा। मरकश का शहजादा जैन, सुना है कि ये बहुत ही दिलेर और बहादुर है। शतरंज के खेल में शहजादा जैन हमारा दूसरा मोहरा है। बादशाह को तो मात दे दी, अब वक्त है शहजादी यास्मीन का। शहजादा जैन बगदाद पहुंच चुका है अपना काम करने के लिए। हमें अपनी हिफाजत के लिए किसी दूसरे की जरूरत है, आप लोग जा सकते हैं। आप कब तक उस खंभे के पीछे छुपी रहेंगी? आपको अलीजा का वास्ता, अब तो बाहर आइए। वो माफ कीजिए, अब हम वो मैं देख रही थी। अगर माफी नाम का लफ्ज आपके होठों पर अच्छा नहीं लगता शहजादी यास्मीन। शहजादी मैं शहजादी नहीं हूं। अच्छा, लेकिन हुस्न, अदा, तेवर सारे शहजादियों वाले।
हम मरकश के शहजादे हैं। शहजादा जैन मरकश से आया है। मरकश की मिट्टी में फूल नहीं बल्कि आला जादू पनपता है और उसी जादू में इस्तेमाल किए जाने वाले बगदादी ऊंट, उनकी खाल और उनकी हड्डियां कम कीमत पर मुच्छड़ी पहुंचाता है। माफी चाहता हूं हुजूर, लेकिन आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप ये घाटे का सौदा करते क्यों हैं? नजदीकी घाटे को ना देखकर और दूर के मुनाफे को देखना ही समझदारी है सूबेदार अकबर। हमने शहजादे जैन की मदद इसलिए की ताकि सही वक्त आने पर वो हमारी मदद कर सके। शहजादा जैन, उसके पास जादू है, काबू है और वो जिसे चाहे चप अपने काबू में कर सकता है। मेरा नाम दिल तो करता है कि आपको तोहफे में नया नाम दे दे, मगर आपकी आंखें, इन्हें देखकर हम सारे नाम भूल जाते हैं। इसीलिए ये आपके लिए एक अजीज नया तोहफा, कैसा लगा? माफ कीजिए लेकिन मैं ये तोहफा नहीं। आपको अलीजा का वास्ता, हमारा दिल मत तोड़िए। आपको अलीजा का वास्ता, बताइए हमें क्या करना है? उस पर चल कर दिखाओ। कुछ मिला क्या? अरे कहाँ मिला, तुम्हारे गोल से गुल्लू ने पता नहीं कंगन कहाँ छुपा दिया। से ढूंढो ना। अब क्या आप लोग छत तोड़कर देखेंगे? यहाँ कुछ भी नहीं है, ऊपर वाले के लिए यहाँ से चले जाइए। हाँ हाँ चले जाइए।